फ्रेंड्स, जिंदगी में छोटे छोटे कदम जो हैं आपको बड़ी कामयाबी की ओर ले चलते हैं। इसलिए आपका डेली का आपका जो एक एक कदम आप जो है रखते हैं वो आपको अल्टीमेट कामयाबी दिलाती है। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में हार्दिक स्वागत है। 2023 का हमारा आखिरी महीना चल रहा है, 2024 दस्तक दे रही है। इस 2024 में गुरु और शनि जो है बदल देंगी कई राशियों की किस्मत, क्योंकि गुरु और शनि ऐसे प्लैनेट हैं जो कि स्लो मूविंग हैं। गुरु भगवान 13 महीने के लिए एक राशि पे रहते हैं और शनि भगवान आप जानते हैं ढैया, दो ढाई साल एक राशि पे रहते हैं। गुरु भगवान आपके भाग्य को, वैभव को, आपके संतान को, आपके बच्चों को और आपके पूरे जो जीवन को जो है प्रभावित करता है और आयु को भी ये प्रभावित करता है। साथ ही देखिए शनि भगवान आपके न्यायाधीश हैं, न्यायकारी हैं। ये आपको आपके जो करियर के आपके मेहनत को डिनोट करते हैं, कारोबार और साथ ही कारागार जिसे जेल कहते हैं ये भी डिनोट करता है। ऐसे में गुरु भगवान की स्थिति आज हम देखें 31 दिसंबर 2023 तक ये वक्री स्थिति में है, मेष राशि में। 1 जनवरी से ये मार्गी हो जाएंगे और 1 मई 2024 से ये वृषभ राशि में आ जाएंगे। शनि भगवान की स्थिति ऐसी है, शनि भगवान 1 अप्रैल 2022 से कुंभ राशि में हैं और अभी 4 नवंबर 2023 से ये जो है पहले वक्री थे, मार्गी हो गए हैं और सिर्फ ये अब जो है 11 फरवरी 2024 से 18 मार्च 2024 तक ये जो है अस्त रहेंगे, जब सूर्य के करीब आ जाएंगे, और 18 मार्च से फिर पूरे 2025 तक ये जो है आपके कुंभ राशि में रहेंगे। ये पूरी गृह स्थिति सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मेष राशि के। मेष राशि के लिए गुरु भगवान पहले लगन भाव पर हैं, साथ ही शनि भगवान देखिए ये आपके 11वें भाव लाभ स्थान पे है। लाभ स्थान पे और लगन पे होने से इससे क्या होगा कि आपके काम कारोबार में शानदार ग्रोथ बनेगा। आपके जो भी रुके हुए काम, कई टाइम से जो रुके हुए थे आपके कोर्ट केसेस और आपके अन्य जो भी जो डेली इनकम के जो सोर्सेस जो अफेक्ट हो गए थे वो दिक्कत दूर हो जाएंगी। फैमिली के रिलेशंस वो पहले से जो खराब हो गए थे, लव लाइफ में दिक्कत वो दूर हो जाएगी। ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है, इसमें परसेंटेज 60% मैं आपको दूंगा। सेकेंड राशि टॉरस, ये बहुत शानदार समय इनका, क्योंकि गुरु भगवान 12वें भाव पर और साथ ही 10वें भाव पर शनि भगवान कैरियर कर्म के भाव पर, ये समय बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। सकारात्मक आपको सोच बनाएंगे, आपको आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको अनएंटिसिपेटेड हेल्प, ये जैसे कहते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं से एक बिना सोचा कहीं हेल्प मिलेगा। आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अच्छा प्यार रहेगा, लव रिलेशंस विल इम्प्रूव। और आपको इसमें खासकर एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपको बच्चों से जो है सुख मिलने का पूरा योग है, तो आपका 70% योग है, ये शानदार समय। मिथुन राशि पे आ रहे हैं, मिथुन राशि के लिए भी समय अच्छा है। इसमें आपको गुरु भगवान 11वें भाव पर जो लाभ भाव पर हैं, साथ ही शनि भगवान भाग्य भाव पर, देखिए जरा बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। जो आपका लाइफ जीरो था आज हीरो आप बनोगे, तो ये 2024 में आपको गुरु और शनि से बहुत ही लाभ मिलेगा। खासकर आपको अप्रैल के बाद जो है बहुत शानदार समय है और अभी आपको जो भी संतान से कष्ट हो रहे थे वो दूर होंगे, आपको फैमिली लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा, बिजनेस में जो ऑर्डर्स जो रुके हुए थे पेमेंट्स वो दूर होंगे और लव लाइफ और हेल्थ में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। ये भी आपको ये अच्छा समय है। मिथुन राशि के लिए भी समय नियर अबाउट 65% है। इसके बाद आपने कर्क राशि पर गुरु भगवान 10वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो आपका कैरियर कर्म और पिता का भाव है, और शनि भगवान आपके 8वें भाव पर हैं, तो इस समय ओवरऑल पहले से आपका समय अच्छा है। आपको कष्ट जो भी जो रुकावटें थी, बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा और ऑफिस में जो और जो आपके बिजनेस में जो बॉटलनेक्स थी वो दूर होंगी। विदेशों से जो हेल्डअप हो गई थी आपके सारे जो भी पेमेंट्स या ऑर्डर्स उसमें रिलीफ मिलेगा और मानसिक जो आपको मानसिक स्थिति आपकी पहले से बहुत बेहतर होगी, तो ये समय भी आपके लिए अच्छा है। इसमें आपने गुरु का और शनि का उपाय करते रहें वो बेटर रहेगा, ये आपके लिए 60% है। इसके हम आते हैं लियो सिंह राशि से। सिंह राशि के लिए बहुत शानदार समय है, क्योंकि गुरु भगवान आपके भाग्य भाव पे हैं 9th हाउस पे और शनि भगवान आपके 7th हाउस पे हैं, तो पारिवारिक समस्याओं से और हेल्थ से जो इश्यूज आई थी आपकी काफ़ी समय से, लंबे समय से चल रहे थे, और कामकाज में जो एक रुकावट थी वो दूर होगी। विदेशों से आपको बहुत लाभ होने वाला, स्टूडेंट्स जो लोग बाहर जाना चाह रहे थे नहीं जा पा रहे थे उनको जो है काफ़ी रिलीफ मिलेगा और एक नया इनको क्या है कि न्यू डायरेक्शन इन लाइफ मिलेगी नौकरी में और कैरियर में। इसके बाद हम आ रहे हैं आपके, इसमें हम मान गए कि लियो को 70% इनका सक्सेस रेट है। कन्या का आ रहे हैं हम, कन्या राशि पे भी बहुत ही शानदार इनका समय रहेगा, क्योंकि गुरु भगवान आपके
आठवें भाव पर हैं और शनि भगवान छठे भाव पे हैं, तो ऐसे में क्या है कि आपको कैरियर में पदोन्नति मिलेगी और बिजनेस में, खासकर जो अब आप नया कुछ आप आइडियाज और नए जो भी आप वेंचर्स करना चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और खासकर जो जिनको मैरिज की अब प्रॉब्लम आ रही थी, मैरिज नहीं हो रहा था या इस किस्म की जो इश्यूज हैं, और कोर्ट के रिलेटेड, क्योंकि इनको कोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, वो बेटर होगा, हेल्थ विल इम्प्रूव, तो ओवरऑल इनका भी बहुत अच्छा समय 70% है। तुला राशि के लिए भी बहुत शानदार समय है ये, 75% इनका सक्सेस रेट है, क्योंकि इसमें क्या है कि इनको गुरु भगवान जो है सेवेंथ हाउस में है, पार्टनरशिप्स, इनके जो जो पार्टनरशिप में मतभेद थे किसी भी किस्म की, वेदर फैमिली पार्टनरशिप्स या बिजनेस पार्टनरशिप्स, वो सॉल्व होंगी और जो भी कष्ट हुए वो दूर होंगे। शनि भगवान फिफ्थ हाउस में बहुत शुभ देते हैं, लड़का या लड़की की शादी में दिक्कत रुकावट, कैरियर में रुकावट, हायर स्टडीज़ में रुकावट जो भी हो रही थी वो दूर होंगी, सोर्सेज ऑफ डेली इनकम विल इम्प्रूव, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, तो ये समय बहुत अच्छा है, पहले बताया 75%। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि पे देखिए, शनि भगवान फोर्थ हाउस पर हैं, ये शश नाम का राजयोग बना रखे हैं, साथ ही जो गुरु भगवान जो है वो सिक्स हाउस पर हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं है, बट फिर भी जो ओवरऑल इनके लिए समय वृश्चिक राशि के लिए समय अच्छा है, पदोन्नति का समय रहेगा, आप जो है मेहनत करें और शनि भगवान गुरु की पूरी आपको कृपा मिलेगी, 70% स्कॉर्पियो का। इसके अब हम धनु राशि पाते हैं, धनु राशि पर भी जो है देखिए शनि भगवान तीसरे भाव कम्युनिकेशन पर है, आपको आपके वाणी से, कम्युनिकेशन से, स्किल से पैसा अच्छा मिलेगा, और इसमें क्या है गुरु भगवान आपके फिफ्थ हाउस में है, आपकी एडुकेशन, हायर स्टडीज, आपके बच्चों से और आपको फ्रेंड से या गुरु से आपको लाभ मिलेगा, तो आपको अपने गुरु या मेंटर से अच्छा बनाए रखें, उनसे प्यार करें और उनको उनकी बातें मानें, तो आपके लिए, क्योंकि गुरु आपके लॉर्ड भी हैं, तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। उपाय ये है कि गुरु भगवान की पूजा करें, लाभ बनेगा। उसके बाद मकर राशि, ये आपके लिए धनु का 60% आता है, हम मकर राशि पे आ रहे हैं। मकर राशि पे शनि की देखिए 7.5 चल रही है, शनि दूसरे भाव पर हैं, ये थोड़ा समय आपके लिए थोड़े कठिनाई बना रह सकता है, मगर साथ में गुरु भगवान फोर्थ हाउस पर हैं, तो फोर्थ हाउस में होके इसकी दृष्टियाँ अच्छी हैं, तो आपको फॉरेन से रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो वर्ग लड़का या लड़की रोमांस की जो प्रॉब्लम्स आई थी वो सॉल्व हो जाएंगी, पारिवारिक रिश्ते हस्बैंड वाइफ के बीच में, और डेली इनकम जो इफेक्ट हो गया था ये बेटरमेंट हो जाएगा, इसलिए मकर राशि के लिए भी समय अच्छा है, 60%। इसके बाद हम आ रहे हैं आपके कुंभ राशि पे। कुंभ राशि पर जो है बेसिक क्या है कि कुंभ राशि पे ये इनके देखिए शनि की 7.5 चल रही है, कई समय से जो है ग्रसित रहे हैं कष्टों से, शनि लगन भाव पर गोचर कर रहे हैं, गुरु भगवान तीसरे भाव में, वाणी के भाव, तो आपको वाणी से लाभ होगा, आपको बच्चों से लाभ होगा, आपके रिश्तेदार छोटे भाई बहन से लाभ होगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा, साथ ही विदेश और छोटी मोटी यात्राओं और बड़ी यात्राओं से भी लाभ रहेगा, और खासकर जो बिजनेस में है उनको बहुत बड़ा ग्रेन होने का है, फॉरेन से टेंडर या कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा टेंडर मिल सकता है, शश नाम का राजयोग बना हुआ है, तो ऐसे लिए इनके लिए कुंभ के लिए 70% है। मीन राशि का भी शानदार समय आ रहा है, राहु लगन में बैठी है नो डाउट, मगर फिर भी गुरु भगवान दूसरे भाव धन भाव पर बैठने से आपको शुभ समय का ये है, शनि भगवान आपके 12वें भाव पर है, तो शनि भगवान का भी जो आपको पूरा फल आपको मिलेगा, कई समय से जो आपको दिक्कतें नौकरी में जो है एक सडन चेंज आएगा, आपको पैसे के नए नए एवेन्यूज निकल के आएंगे जो कि आपको हार्ट बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट देंगे, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप अपने जो भी, क्योंकि आपके राशि लॉर्ड गुरु हैं, तो गुरु के एडवाइस, अपने मेंटर्स की बात माने, उनको आंख बंद करके फॉलो करेंगे तो लाभ रहेगा, क्योंकि राहु थोड़ा आपको मानसिक कष्ट दे सकता है, तो उसके लिए आप गुरु भगवान और शनि भगवान को दोनों को उनके उपाय करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये मैंने पूरे 12 राशियों का आपको जिस्ट में बताया कि 2024 में इनको मैंने बताया कि मीन राशि के लिए भी 70% है, ओवरऑल समय बहुत अच्छा है, साथ ही उपायों में गुरु भगवान को प्लीज करने के लिए पीले रंग का वस्तुओं का दान करें और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का मंत्र करें, अपने बड़ों को की सेवा करें, उनके पैर छुएं, अपने गुरु मेंटर्स की बातों माने, शनि भगवान के लिए शनि चालीसा का, शनि का दान, काले चीज़ों का और शनि चालीसा का भी पाठ करेंगे तो शुभ रहेगा। मैं 2024 का सारे 12 राशियों वालों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आपके लिए शुभ रहे, और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपको सुख शांति समृद्धि आश्चर्य मिले। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग 2024 की कैसी हो उसके लिए आप हमारे से आप 8010001346 पर संपर्क करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2024। थैंक यू।